senior leader of the BJP, Ram Madhav, in an interview talking about how the BJP would get a majority along with its allies. He said, and I quote, if we get 271 seats on our own, we'd be very happy. With NDA, we'll have a comfortable majority. Perhaps the first time that a senior BJP leader has conceded to anything less than a complete sweep or sort of upwards of 300 running by themselves. Now, my colleague Purva caught up with the Shiv Sena's Sanjay Raut and asked him specifically about those comments. Let's listen. BJP ke spokesperson jo hai Ram Madhav ji ka statement sahi hai. Desh ka mahol lagbhag aise hi lagta hai mujhe. NDA ki sarkar banegi. BJP sabse badi party rahegi. Lekin abhi to lagta hai ki BJP apne taakat par 280 जो 2014 में हुआ था 282 तक जाना थोड़ा सा मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है. लेकिन पूरे जो हमारे हमारा जो परिवार है एनडीए कुनबा है वो सब मिलकर हम मेजॉरिटी क्रॉस कर देंगे. 2014 वाली स्थिति आज नहीं है ये मानना पड़ेगा. जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है हम एक साथ रहेंगे. सरकार एनडीए की बनेगी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है. हमारा अनुमान है कि हम 300 के ऊपर जाएंगे लेकिन एनडीए और बीजेपी बहुमत के नज़दीक आ जाएगी लेकिन शायद कुछ सीटें कम पड़ती है तो हम सब है ना. अब मेरी पार्टी शिवसेना यहाँ जितनी सीटें लड़ रही है 23 जी. मैं कहूँगा मैं 23 सीटें जीत रहा हूँ लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं होती. तो क्या लगता है महाराष्ट्र का अनुमान क्या है? नहीं मैं बताता हूँ ना आपको. तो पार्टी को बुश करने के लिए कार्यकर्ताओं को बुश करने के लिए ये कहना पड़ता है हम सभी सीटें जीत रहे हैं. जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि हम बीजेपी अपने ताकत पर 300 सीटें जीतेगी तो उनका अनुमान है ये. लेकिन जो सर्वे आप कर रहे हो जो हम वहाँ जाकर आए हैं बहुत से स्टेट में जी. तो रीजनल पार्टीज भी अच्छा कर रहे हैं और उसमें से बहुत सी रीजनल पार्टीज एनडीए के साथ रहेगी तो सरकार बनेगी.